guys, welcome back to Rinki's Angelican. We are doing monthly videos for September. जैसे हम हमेशा करते हैं तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज. इस महीने जो मैं कार्ड यूज कर रही हूँ वो है सोल्स जर्नी, या आपके करंट पीरियड, करंट मंथ में क्या जरूरी है आपके लिए, किस चीज पे फोकस करना है. मैं बहुत मैसेजेस वीकली और डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे भी डाल रही हूँ, तो आइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अगर आप अब तक फॉलो नहीं कर रहे हैं. सारी डिटेल्स, लिंक टू माई इंस्टाग्राम पेज इज ऑल्सो मैंशन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो हैड फॉलो देयर. ये वैसे ही तीन टैरो कार्ड्स एक एंजल मैसेज हम पुल आउट कर रहे हैं. यस, ये महीने भी मैं वीकली वीडियोज दे रही हूँ. एवरी संडे वीकली वीडियोज भी मेरे चैनल पे आएंगे. सो आई होप दिस हेल्प्स, आई होप आप ये इंजॉय कर रहे हो. और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो हैड सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन फॉर एवरी टाइम आई एम ऑन यूट्यूब यू गेट नोटिफाइड. अभी स्टार्ट करते हैं. एक्वेरियस, एक्वेरियस मैंने आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट करा है. देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. जो पहला कार्ड आया हुआ है द मून, नाउ दिस कार्ड इज सेइंग कि आपका विजन सही है, आपकी जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो एकदम सही है. आपको एग्जैक्टली पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए. बट जो आपका करंट पाथ है ना, वो बहुत भटका हुआ है. आपको नहीं समझ आ रहा है क्या चीज आपके अल्टीमेट गोल तक आपको पहुंचाएगी. सो समवेयर द पाथ दैट यू आर इन राइट नाउ लुक्स वेरी वेरी ब्लरी, बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो फॉर सम रीजन. आई फील देर आर लॉट ऑफ एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंजेस दैट्स हैपनिंग कि यार मैं ये रास्ता अपना लूँ, ये कर लूँ. तो ट्रायल एंड एरर वाला महीना है ये बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि आपने ना अपने आप को बहुत पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं ये पाथ है तो ये ही पाथ है. ये बोल रहा है कि ट्राई कीजिए, चेंज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए. जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक आप वो अल्टीमेट गोल तक कैसे पहुंच पाओगे, राइट? तो ये आपको चेंजेस, ग्रोथ, इवॉल्व करने की बात कर रहा है. जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद उससे ज्यादा मिले आपको, पर आपको जो इस वक्त क्या जरूरी है, एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने प्लान्स को थोड़ा सा शिफ्ट, थोड़ा सा चेंज, मड़ोड़ तड़ोड़ के यू नो कहीं ना कोई आगे बढ़ना है. आप ना बहुत स्टैग्नेंट हो गए हो, बहुत रुक से गए हो, और वो चीज इस वक्त ब्लॉक्ड फील कर रही है. वो चीज इस वक्त डेफिनेटली ब्लॉकेज दिखा रही है. ग्रोथ कैसे होगी? जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, एक्शन नहीं लोगे, तब तक ग्रोथ नहीं होगी. अब जो एंजल मैसेज आया है, एनवी, कहीं ना थोड़ी सी जेलसी कि यार मैं भी सेम पाथ पे हूं और कोई और भी सेम पाथ पे है, पर किसी और को तरक्की मिल रही, मुझे क्यों नहीं मिल रही. तो वो वाइब आपकी अच्छी नहीं है. ये कार्ड बता रहा है जैसे भी हो वो एनवी हटा दो, एक्नॉलेज करो अपने लाइफ को, अपने ग्रेटिट्यूड्स काम करो. बिकॉज एनवी में ना ग्रेटिट्यूड जितना आप काम करोगे ये उतना जल्दी भागेगी. ये एक एनर्जी है जो ब्लॉकेज दिखा रही है आपके लाइफ में. समवेयर ये हटाइए, आपको बताइए कि आपका रास्ता ब्यूटीफुल है, आप अपनी जर्नी देख रहे हो. अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए सबसे पहले. यू नो ये कार्ड यही बता रहा है जितना आप कंपेयर कर रहे हो उतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रास्ते में, उतना ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. सो समवेयर दिस इज एन एनर्जी, दिस इज अ शिफ्ट दैट योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल नीड्स इट. सो फोकस, गो हैड, वॉक ऑन द पाथ विद अ लॉट मोर पावर. आई होप ये रीडिंग्स आपको गाइड करे, मदद करे. प्लीज आप कॉमेंट कीजिए आपका कनेक्शन कैसे लग रहा है टैरो के साथ, इज इट रियली हेल्पिंग, एवरीथिंग. आई विल बी वेटिंग टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज, एंड दैट्स अबाउट इट. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर लॉट्स मोर. थैंक यू.